नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर के अंदर टीवी कहाँ लगाना चाहिए। टीवी आप कहीं भी लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगाएं, डाइनिंग एरिया में लगाएं, बेडरूम में लगाएं, पर कौन से नियमों का पालन करना चाहिए वास्तु का। कई वास्तुशास्त्री जब बताते हैं, अपने वीडियो में भी बताते हैं, कईयों ने किताबें लिखी उसमें जानकारी दी है कि टीवी कहाँ लगाना चाहिए। उन्होंने इसे अग्नि माना है और अग्नि मानते हुए कोई टीवी में जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो इतनी बड़ी आपको स्क्रीन नज़र आती है तो वो अग्नि होती है। ऐसा कहते हुए वो लोग आपको जानकारी देते हैं कि टीवी कहाँ लगाना चाहिए। दोस्तों, वो अग्नि जो शास्त्रों में लिखी गई है, जिसका हम जो रसोई में जो अग्नि होती है, वो अग्नि एक अलग चीज़ है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक अलग है। इससे उसकी कोई कंपैरिजन मत करिएगा, ठीक है ना। आप जब मोबाइल पर हैं तो तरंगे हर जगह घूम रही हैं, आपके यहाँ यदि लाइट जो लाइट की जो कनेक्शंस हैं तो आप भले स्विच एक जगह लगाते हैं वो उसकी पाइप वाइप पूरे घर में घूम रही होती है, ठीक है ना। और फिर करंट तो बह ही रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बह रही है, अग्नि तो बह ही रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इसे अग्नि के तरह मत देखिएगा। अग्नि जो शास्त्रों में लिखी गई वो अग्नि जो प्रज्वलित होती है उसके लिए बताया गया है। अब नियम कौन से रहेंगे टीवी के, देखिए ये समझ लीजिए आपका ड्राइंग रूम है या आपका बेडरूम है, जो भी है एक कमरा है और इसका दिशा कोई भी होगी, आपका दरवाज़ा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका ये जो बेडरूम या ड्राइंग रूम है इसके दरवाजे वास्तुनुकूल जगह पर हैं। यदि ये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, दरवाज़ा होगा पूर्व में होगा तो यहाँ होगा ईशान में, उत्तर में होगा तो यहाँ ईशान में होगा, दक्षिण में होगा तो अग्नेय में होगा और पश्चिम में होगा तो वायव्य में होगा। अब ये मान लीजिए बेडरूम है। अब आपका आपको ये ध्यान रखना है कि अब दरवाजे तो वास्तुनुकूल हैं, अब आप बेडरूम में आपको पलंग लगाना, पलंग ऐसी जगह लगाइएगा कि आपको दरवाज़ा दिख सके। यदि पश्चिम में है तो आपको पलंग यहाँ लगाना चाहिए, यदि साई जैसा है तो पलंग आपको यहाँ लगाना चाहिए ताकि आप लेटे लेटे आप अपने दरवाजे की ओर देख सकें। यदि ईशान में इधर है तो आप पलंग यूँ लगा सकते हैं, यहाँ है तो भी ये लगा सकते हैं, इवन यहाँ तो भी आप यूँ लगा सकते हैं, को आप लेटे लेटे इधर 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 देख सकते हैं, आपको इधर नहीं लगाना है। यदि इधर लगाते हैं आप पलंग तो उस स्थिति में आप दरवाज़ा आप देख सकते हैं ये वाला, तो आप यहाँ पलंग यहाँ लगा सकते हैं। यह दरवाज़ा हो गया, ये हो गया, तीन दरवाजे हो गए, ठीक। यहाँ लगाते हो तो ये तीन दरवाजे देख सकते हैं, यहाँ लगाते हैं तो आप सिर्फ एक दरवाज़ा देख पाते हैं, ये तीन दरवाजे देख पाते हैं। जब आप अपने लेटे लेटे दरवाजे नहीं देख पाते हैं, यदि आपने यहाँ है और आपने यहाँ लगा दिया तो आप 8 घंटे सोने के बाद भी थके थके उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे, ठीक है ना। तो आप हमेशा पलंग बेडरूम में इस प्रकार लगाइएगा कि आप लेटे लेटे दरवाजे को देख सकें ताकि 6-8 घंटे सोने के बाद भी आप फ्रेश उठें। अब जब पलंग, पहले पलंग तय होगा, अब पलंग यहाँ लग गया तो टीवी यहाँ लग जाएगा सामने, पलंग यहाँ लगा तो टीवी यहाँ लग जाएगा, पलंग यहाँ लगा तो टीवी सामने लग जाएगा। तो टीवी कहाँ लगेगा पलंग के हिसाब से, पलंग कैसे लगेगा दरवाजे के आधार पर कि पलंग कहाँ लगाना है। तो पहले महत्वपूर्ण हो गया पलंग कहाँ लगेगा और पलंग के बाद फिर टीवी तय होगा। उसी प्रकार ड्राइंग रूम में भी ये रहेगा कि आप अपने सोफे इस तरीके से लगाएंगे आप कि आप जैसे ये ध्यान रखिए दरवाजे वास्तुनुकूल दरवाजे 4 हैं, आपकी जितना प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर होगा इस एरिया में होगा, तो आपने प्लेसमेंट ऑफ फर्नीचर यहाँ करा, इधर ज़्यादा करा कि इधर करा, आपका कैसा साइज उसके पर निर्भर करेगा। तो टीवी यहाँ लगेगा नहीं तो यहाँ लगेगा, इन दो दीवार पर नहीं लगेगा, क्यों, ये तो आपके फर्नीचर सोफ़ा रखने की जगह है, टेबल कुर्सी रखने की जगह है, तो टीवी यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। ताकि आप जो है, अब आपको टीवी की बात चल रही, टीवी कहाँ लगाना है, तो यदि ये आपके दरवाजे हैं, ये दरवाजे, तो आप यहाँ पलंग लगा दिया तो आप तीनों तरफ देख सकते हैं, आप मुखिया आप बैठे हुए हैं यहाँ पर तो। और यदि बाई दीवे आपका जो है दरवाज़ा ये वाला है तो आप पलंग भी लगाएंगे यहाँ पर, आप यहाँ बैठेंगे ताकि आप इस दरवाजे को देख सकें। अब इसके आधार पर आपको देखना है आपको टीवी यहाँ लगाना है, टीवी यहाँ लगाना है। तो टीवी लगाने का आधार रहेगा आपकी सिटिंग कैसी है, आपका बेड कैसा लगा हुआ है कमरे के अंदर, उसके आधार पर होगा। आप उस बिल्कुल मत जाइएगा कि अग्नि है तो अग्नि के हिसाब से हम अग्नि कोण में यहाँ लगाएंगे, ऐसा गलती मत करिएगा।
और दूसरी एक और बात, बहुत विशेष, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बेडरूम में लगाते वक्त एक बात वो ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, वो ध्यान ये रखना है आपको कि मैंने यहाँ पलंग लगाया तो टीवी मुझे यहाँ लगा, टीवी ऐसी जगह ना लगाइएगा कोई टीवी बंद होने के बाद वो मिरर की तरह काम करता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पलंग लगाया और टीवी यहाँ लगाया, दरवाजे आपके ये हैं तीन, तो यहाँ से कोई देख नहीं सकता और रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ये दरवाज़ा ये और आपने पलंग यहाँ लगाया और टीवी यहाँ लगाया तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि दीवार तो यहाँ पर है, देख ही नहीं पाएगा। पर आपने यहाँ दरवाज़ा है, पलंग यहाँ लगा दिया और टीवी यहाँ लगा दिया, आप लेटे हुए और ये आदमी यहाँ से जो भी है यहाँ से झाँक के इस टीवी के को बंद टीवी में देख के देख सकता है, उस प्राइवेसी का ध्यान भी रखना है आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।